हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल बर्ड एंड गार्डन में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में आपने देखा होगा कि ग्राफ्टिंग टोटल तीन विधियां हैं, उसमें कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। उसमें से लेयरिंग यानी दाब लगाना, दाब लगाने की विधि में भी दो विधियां हैं, वायु दाब और टीला दाब। तो आज हम टीला दाब पे प्रैक्टिकल करने वाले हैं। टीला दाब हम करेंगे बोगनवेलिया पे। बोगनवेलिया ऐसा पौधा है जो हर जगह आसानी से मिल जाता है और उसकी टहनियाँ भी लंबी होती है, उस वजह से टीला दाब करने में आसानी होती है। टीला दाब करने में बोगनवेलिया की एक टहनी को जो ज़मीन से ज़्यादा नज़दीक हो उसको हमें ज़मीन के अंदर मतलब मिट्टी के अंदर दबा देना है, जिससे कि एक उसका बाहरी सिरा बाहर रहे। यहाँ आप देख सकते हैं ये बोगनवेलिया है, छोटा सा पौधा है बोगनवेलिया का। तो चलो इसकी एक टहनी को हम ज़मीन के अंदर दबा देते हैं। ये आप देख सकते हैं एक टहनी को जो ज़मीन से ज़्यादा नज़दीक थी उसको मैंने इस तरीके से ज़मीन के अंदर दबा दिया है। आप देख सकते हैं उसका जो बाहरी सिरा है वो बाहर है, बीच वाला हिस्सा ज़मीन के अंदर है। आप देख सकते हैं इस तरीके से ज़मीन के अंदर दबाना है इसको। टहनी को दबाए हुए आज 10 से करीब 15 दिन हो गया है। इसको बीच में से काटना है इस तरीके से। टहनी को एकदम ना काट के आप दो तीन दिन में भी काट सकते हैं, धीरे धीरे करके। आज थोड़ा कट लगाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जिस टहनी को हमने काटा है जो ज़मीन के अंदर दबी हुई है उसको दो तीन दिन तक उधर रखना है, ज़मीन के अंदर से निकालना नहीं है। उससे क्या होगा ना कि जो उसकी रूट्स है वो ग्रो हो जाएगी। कटी हुई टहनी को रेगुलर पानी देना है, उससे रूट्स को ग्रो होने में मदद मिलेगी। उसके ऊपर छाया की व्यवस्था करनी है। टहनी को कटे हुए टोटल 10 दिन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं उसका पत्ता भी थोड़ा सा मुरझा गया है, लेकिन कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हम इसको अब यहाँ से ज़मीन से ले लेंगे और दूसरी जगह इसको ज़मीन के अंदर लगा देंगे। टहनी को लेते समय थोड़ा ध्यान रखना है कि इसकी जो रूट्स है उसको कोई नुकसान ना पहुँचे, उस तरीके से लेना है। अच्छे से अच्छा टूल का यूज़ करना है जिससे रूट्स को कम से कम नुकसान हो। ये इस तरीके से हमने यहाँ से ले लिया इसको, ये आप देख सकते हैं, जिससे टहनी भी सही है और उसके रूट्स भी सही हैं। इसको हम दूसरी जगह लगा देते हैं, ज़मीन के अंदर खड्डा करके मैं इसको दूसरी जगह लगा रहा हूँ। लगाते समय भी ध्यान रखना है कि इसके रूट्स को कोई नुकसान ना हो। इसके साथ जो हमने मिट्टी लिया है वो भी फैले ना, अगर वो मिट्टी नहीं फैलेगी तो रूट्स को कोई नुकसान नहीं होगा। अब इस तरीके से हमने ये बोगनवेले का पौधा लगा दिया है। कुछ दिन बाद का इंतजार होगा कि इसका ग्रो कैसा होता है, उसका रिज़ल्ट हम देखेंगे आगे। तो इसको इस तरीके से करके हमें छोड़ देना है, रेगुलर पानी देना है, हल्की सी छाएं इसके ऊपर भी करनी होगी जिससे ज़्यादा धूप न लगे और रूट्स आराम से ग्रो हो जाए। टहनी को लगाए हुए आज 15 दिन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं 15 दिन के बाद इसका रिज़ल्ट कैसा है, बहुत बढ़िया ग्रो हो रहा है। मुझे विश्वास है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।